बाल विकास कोहलर से संबंधित टॉप 20 प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण। प्रश्न पहला है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? जापानी, जर्मन, भारतीय, अमेरिकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन। प्रश्न दूसरा, कोहलर ने कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया? चार, पांच, छः, सात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। छः चिंपैंजी पर। प्रश्न तीसरा, गेस्टाल्टवाद प्रयोग करता है कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर, पियाजे। देखिए इसमें प्रयोगकर्ता पूछ रहा है, इसमें आएगा आपका ऑप्शन ए, कोहलर। प्रश्न चौथा, कोहलर का सिद्धांत नहीं है? संपूर्णवाद सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत, अव्ययीवाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ये जो तीनों है वो कोहलर के सिद्धांत है, जो ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये कोहलर का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों कोहलर सिद्धांत है। प्रश्न पांचवा, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कितने संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है? तीन, पांच, सात, नौ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पांच संपत्तियों पर। प्रश्न छठवां, सूझ के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, ये तो है, अधिगम या सीखना अचानक होता है, ये भी है, सीखने की प्रकृति स्थायी नहीं होती है, और सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सूझ के सिद्धांत में क्या होता है, सीखने की प्रकृति स्थायी होती है, जबकि इसमें बोला है विशेषता नहीं है, तो ये क्या है, स्थायी नहीं होती है, तो ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न सातवां, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? कोहलर, स्कीनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोहलर। प्रश्न आठवां, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त या यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। प्रश्न नौ, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम का सिद्धांत। प्रश्न दस, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, वन मानुषों पर, चूहों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वन मानुषों पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग। प्रश्न 11, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? इस प्रकार भी दे देता है तीनों को, वर्दिमर, कोपका, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, सिगमंड फ्रायड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न 12, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, वर्दिमर, वुडवर्थ, वाटसन। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्दिमर।
प्रश्न 13, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सोच सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। प्रश्न 14, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा दी थी गेट्स, कोहलर, वुडवर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोहलर। प्रश्न 15, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक हल को प्रमुखता दी जाती है, समीप्यता का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूझ का सिद्धांत। प्रश्न 16, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर, किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, आवश्यकता के अनुरूप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समग्रता के आधार पर। प्रश्न 17, सूझ आकस्मिक ज्ञान है, यह किसने लिखा है? कोहलर ने, स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कोहलर ने। प्रश्न 18, गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है संवेदना, व्यक्तित्व, संप्रत्यय, सूझ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूझ। प्रश्न 19, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है पूर्णकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर है पूर्णकार। प्रश्न 20, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। ये रहे आज का टॉप 20 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।